हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश भी होंगे। और आज मॉर्निंग का टाइम है और ये देखिए, मैंने एक दिन पहले कान्हा जी को, अपने दोनों लल्ला को तैयार कर दिया था, अच्छे से कपड़े पहना दिया था और माता रानी को भी जो है लहंगा पहना दिया था, क्योंकि विंटर के कपड़े काफ़ी दिन से पहने हुए थे और अब आ गई थी गर्मी, तो मैंने कहा चलो फाइनली आज चेंज कर दूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। हम सब भी बहुत अच्छे हैं। और आज होली जलेगी आज, तो अभी मैंने पूजा वगैरह कर लिया है। कान्हा जी मेरे मैंने परसों ही रेडी कर दिया था उनको फ्राइडे, और ये मैंने पहनी है आज साड़ी। और बस पूजा वगैरह हो गई है, जा रही हूँ इन लोगों के खाने पीने के देखने के लिए। देखो इसमें ना टॉर्च चल जाती है जैसे अंधेरा होता है ऑटोमेटिक। और यहाँ पे तेल कर दिया है मैंने, गरम गरम हो गया है, और चाय रख दिया है। इन्होंने कहा कि चलो पापड़ यार खाने का आज, मैंने वो तल दो, तो जो घर में बनाए थे मैंने आलू के, इस बार उबले हुए आलू के, तो वो सारे मैंने आप लोगों से शेयर तो किया ही था मैंने कैसे बनाया कैसे नहीं, तो वही वाले जो है ना ले आए थे। और चिप्स के क्या है ना, वो टंकी में मतलब रखे हैं स्टोर, उसमें स्टोर करके, तो वो नीचे पहुंच गए हैं ऊपर इस तरह से, और ऊपर उबले हुए आलू के रखे हैं तो वो निकल नहीं पा रहे हैं, तो उसको अलग तरीके से मुझे सेट करना पड़ेगा। और ये देखिए, घर के पापड़ों की बात ही अलग होती है, आप कितने भी बाहर के ले आइए, बट घर में जो घर के पापड़ों में टेस्ट होता है ना, वो बाहर नहीं होता है। और यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं नाश्ता, और सिस्टर से मेरी बात भी हो रही थी साथ में, होली की प्लानिंग की क्या बनेगा क्या नहीं, तो बस यही सारी बातें हम लोगों में हो रही थी। और यहाँ पे आलू वगैरह उबलने के लिए सुबह रख दिया था, तो आलू रेडी हो गए थे, और बस फटाफट जो है आज इन्होंने कहा था कि यार लंच में आलू के पराठे बन जाए। और वैसे भी फिर कल से 2-3 दिन हमारे यहाँ कढ़ाई चढ़ती है, मतलब पूड़ी बनती है और तवा नहीं चढ़ता है, तो बस यहाँ पराठे और लंच कर लिया था। और मैं बस पराठे आयान के लिए बना के आई, इन्होंने कहा कि पहले एक काम करो यहाँ आ जाओ, ये जो सिया ने बहुत अच्छी सी जो ड्राइंग बनाई थी, तो ये और था कि कहाँ लगाएं इसको, पहले एक दूसरे वॉल में मैंने सोचा था करने के लिए, वहाँ लगाने के लिए, बट फिर ये हुआ कि यहाँ पे बहुत अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे कैसा लुक लग रहा है बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, क्योंकि ये वाली वॉल कलर इसका अलग है, और वाइट ड्राइंग है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो अभी मैं ना खाना बना खा लिया, हम लोगों ने लंच कर लिया, जा रही थी ग्रॉसरी का थोड़ा सा सामान लेने, ग्रॉसरी थोड़ी सी, फेस्टिवल है तो हर बार होली दिवाली में मुझे जाना पड़ता है। आप लोग रहना बेटा, मोबाइल है फ़ोन होना है, अगर काम है तो कर सकते हो। और इतना ज़्यादा भीड़ थी आज कि क्या कहें, वैसे ये वाली शॉप बहुत चलती है। यहाँ मसाले के साइड आई थी, मुझे अच्छे से मसाले चाहिए थे, मैंने वो सारी चीज़ें वहाँ लेके यहाँ पे बेकरी में आ गए थे जहाँ पे केक मिलता है। और यहाँ आयान की इतनी मस्ती, और देखिए ऐसे ही आ गया, वो कपड़े वपड़े चेंज नहीं किया क्योंकि वो लोग ना आज गुलाल खेलने के मूड में थे ना इसी वजह से। और ये देखिए मैंने क्या क्या लाई हूँ, मैं आप लोगों को जो है वो भी दिखा देती हूँ। तो कितनी डाइट कोक 4 लाए हम लोग, और पूरी टोटल 11 कोक लेकर आए हैं, जिसमें से कुछ बच्चों के लिए है, और ये डाइट कोक अभी एक मैं पीऊंगी, तो बहुत अच्छी लग रही है, अच्छी लगती है ये वाली। एंड ग्रॉसरी का सारा सामान फिलहाल ले आई हूँ मैं यहाँ पे, ये है मटरी ले आई हूँ बिकॉज मैंने कोई आटा रहता है, जरूरत पड़ती है, और ये वाली नमकीन वगैरह, क्योंकि घर की चीज तो बनी है बट बाहर का भी थोड़ा बहुत तो जरूरत पड़ जाता है। और ये सब नमकीन वगैरह है, चक्री वगैरह, यही सारी चीजें लेकर आई हूँ। और ग्रॉसरी का बाकी का वो उस वहाँ पे रखा हुआ है सामान, देखो ये पहले पी गए हैं। गैस
एक मुझे दो, खोलो मेरे, ये है। तो सारा ग्रॉसरी का जितना भी सामान मुझे चाहिए था, क्योंकि बहुत दिन से सोच रही थी लेने के लिए, ले नहीं पा रही थी, बट आज मैं गई हूँ तो दो जगह से लेकर आई हूँ। एक जगह नमकीन नहीं मिलती अच्छी, तो वहाँ से लेकर आई हूँ नमकीन, और वहाँ पे डाइट कोक वगैरह जो है बहुत अच्छी मिलती है, वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह काफ़ी चीज़ें मिलती, बट ग्रॉसरी का सामान जहाँ मिलता वहाँ सिर्फ ग्रॉसरी का मिलता है। तो सारी चीज़ें, शैम्पू वगैरह ख़त्म हो गया था, वो भी आ गई। एंड ये शाम का टाइम है, जो चाय बनाया था हम लोगों के लिए मैंने, और यहाँ पे ये लाए हैं गुलाल। तो ये कलर इस जो स्प्रे पता नहीं क्यों लाया, मुझे अच्छा नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा गुलाल गुलाल हर जगह हो जाता है, तो अजीब सा हो जाता है मतलब। तो मैंने कहा घर में कि कोई भी इसको मतलब चलाना नहीं है, बच्चों को मना कर दिया है, क्योंकि इतना भी हेल्थ के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं है ये। और काफ़ी गुलाल के पैकेट्स भी ये लेकर आए, और शाम को, सुबह नहीं हो पा रहा था मुझसे, तो मैंने कहा शाम को डेकोरेट करूँगी थोड़ा बहुत, क्योंकि एक तो रंगों का त्यौहार है तो ख़राब ना हो जाए। तो मैंने ये वाला मैट मंगाया था मैंने मीशो से, टेबल मैट, एंड ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक का है, और ये वेलवेट कपड़े में है, एंड आप देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा लुक है इसका, और ये काफ़ी मुझे अफोर्डेबल प्राइस में मिला था। सो इस तरह से ये मैंने डेकोरेट किया है, ट्रे हटाकर इस तरह से आप डेकोरेट कर सकती है। मैट है 5 या 6 मैट है इस तरह से बीच में, अलग अलग कलर में, काफ़ी अच्छा लगता है। और डिनर में बनी है कचौड़ी, तो अब जाहिर सी बात है सुबह आलू के पराठे बने हैं, तो आलू बच भी गए थे, तो ये हुआ कि इन्होंने कहा कि यार हम लोग आलू के कचौड़ी खाएंगे, तो आलू वेस्ट भी नहीं होंगे, और इससे आप आलू की कचौड़ी है, कई चीज़ें बन जाती है आलू से, बट इनका कचौड़ी का मन था तो वही खाया है, इनको खिलाया है, तो बच्चे और ये सब खा रहे थे, और मैं फटाफट जो है गरम गरम बना रही थी। और मैं क्या खाऊंगी डिनर में वो भी आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी, वो तो शेयर करना बनता है, क्योंकि मैं कचौड़ी बिल्कुल नहीं खाती हूँ बिल्कुल भी। अच्छे से टिशू से जो है ना उसको, ऑयल को मैंने अब्जॉर्ब किया था, भले मैं ना खाऊं, बट हर कोई जो है ना ऑयल थोड़ा सा फ्री, हर किसी के लिए, सबके लिए मतलब अच्छा भी नहीं होता है ऑयल के लिए, अपनी फैमिली के लिए खुद खाइए, पर ऑयल ना बिल्कुल अब्जॉर्ब कर लीजिए। और इतना ऑयल नहीं था, बट तब भी मैं थोड़ा बहुत और भी उसमें अच्छे से अब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रही थी। एंड ये था मेरा जो है, मैंने एक गिलास दूध लिया था, और ये मल्टीग्रेन ब्रेड मैं लेकर आई थी आज, तो वो मैंने साथ में जो है ना खाया था दूध के साथ। तो आज मेरा सिंपल सा यही आज का डिनर है, एंड बहुत ही अच्छा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और आज का ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और ये उपटन वगैरह लगाया जाता है होली जलने से पहले, होली में डाला जाता है, तो आप लोगों क्या होता है कि नहीं मुझसे शेयर करिएगा। और बस ये हो गया, और आज की जो ये दिन ख़त्म हुआ, मिलते नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।